सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सामने आ रही है कोरोना संकट में राहत से जुड़ी हुई अहम खबर, जहां 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। नागरिक उड्डयन विभाग ने इसको लेकर जानकारी भी दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विमान सेवाओं को लेकर ये अहम राहत कह सकते हैं आम लोगों के लिए, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेताब थे लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था और इंतजार लोग कर रहे थे कि कब ये उड़ानें शुरू हों। तो अब राहत की खबर उन लोगों के लिए, 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन विभाग ने इसको लेकर जानकारी भी दे दी है, सभी एयरपोर्ट्स को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का, काशीराम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशीराम, कह सकते हैं एक बड़ी राहत क्योंकि लंबा इंतजार किया है लोगों ने, 25 तारीख से उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। जी दीपा, बिल्कुल। देखिए, दो महीने बाद घरेलू फ्लाइट शुरू होंगी। 25 मार्च से फ्लाइट्स पर रोक लगी थी और उसके बाद हवाई संचालन पूरी तरह से बंद हो गया था। इंटरनेशनल फ्लाइट चूँकि 22 मार्च से ही बंद हो गई थी और उसके बाद 25 मार्च से डोमेस्टिक फ्लाइट भी बंद हो चुकी थी। और अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि 25 मई से सभी फ्लाइट सुचारू हो जाएंगी, घरेलू फ्लाइट जो हैं। तो हालांकि ये जरूर कहा है कि कैलिब्रेटेड मैनर में शुरू होंगी, यानी कि नियंत्रित संख्या में फ्लाइट संचालित की जाएंगी। तो जो फ्लाइट्स की संख्या है वो काफ़ी कम रहेगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती रहेगी एयरपोर्ट पर। अगर एक साथ सभी फ्लाइट्स को अलाउ किया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए छोटा एयरपोर्ट टर्मिनल होता है और इतने सारे यात्री अगर एक साथ आएंगे तो वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसी वजह से ऐसा कहा गया है कि कम संख्या में फ्लाइट चलेंगी और करीब 20-25% की संख्या में फ्लाइट चलेंगी, ऐसा जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन का मानना है। क्योंकि आप ही जानकारी दे रहे हैं कि कम संख्या में फ्लाइट चलेंगी, तो पहली जो ये उड़ान भरेंगी 25 तारीख से जिसकी शुरुआत होगी, कहाँ कहाँ के लिए हो सकती है फ्लाइट्स पहले? जी देखिए, फ्लाइट तो सभी शहरों के लिए शुरू होंगी, लेकिन जैसे अभी तक इंडिगो की मान लीजिए दिल्ली के लिए चल रही थी 3 फ्लाइट, तो अब एक फ्लाइट ही संचालित करेगी वो। अगर मुंबई के लिए अगर 3 फ्लाइट चल रही थी तो वो एक ही फ्लाइट चलाएगी। इसी तरह की सारी एयरलाइन ऐसा करेंगे कि कम संख्या में फ्लाइट चलाएंगे। अभी तक जैसे लॉकडाउन से पहले तक जयपुर एयरपोर्ट से 63 फ्लाइट ऑपरेट हो रही थी और अब इनकी संख्या ऐसा माना जा रहा है कि 20-22 के आसपास ही रहेगी, यानी कि काफ़ी कम फ्लाइट संचालित होंगी। किस तरह की तैयारियाँ हैं वो कि थोड़ा सा हमारे लिए पूरी तरह दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर आप देखेंगे कि एक निर्धारित दूरी पर गोले बनाए गए हैं नीचे जमीन पर कि यात्री अगर खड़े हों तो उनके बीच में 6 फीट की डिस्टेंस। बिल्कुल काशीराम, बने रहिए, मैसेज लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जयदीप सिंह बलहारा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदीप सिंह, एक बड़ी रात कह सकते हैं सर आम लोगों के लिए, घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी हाँ, ये सबके लिए एक आनंद की खबर है जी। और हम लोग जब से ये फ्लाइट बंद हुई थी उसके बाद हमारा काम जब से ही सैनिटाइजेशन को लेके और डिस्टेंस मॉनिटरिंग को लेके चल रहा था और अभी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। और जैसा कि अभी काशीराम जी ने बताया कि शुरू में कम फ्लाइट शुरू होने की संभावना है, ये नेचुरल है कि 20-25% तक जो है वो शुरू हो सकती है और उसके हिसाब से धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हम इन फ्लाइटों को बढ़ाते चले जाएंगे। सर बिल्कुल सर, लेकिन शुरुआत में क्योंकि अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे, वहां कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी एयरपोर्ट पर? जैसा कि मैंने बताया, इसीलिए ही कम फ्लाइटें हमने शुरू की हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन रहे। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने पूरे एयरपोर्ट पर जगह जगह मार्किंग की है जहाँ पर की लोग आके खड़े रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा गया है पूरा, और फ्लाइट के आने के पहले और जाने के बाद पूरा एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया जाएगा जो कि टच पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह की सभी चीजें को और टच पॉइंट्स बहुत कम करने की कोशिश की गई है, तो इस तरह का ध्यान रखा गया है कि ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। सर डोमेस्टिक फ्लाइट्स की तो बात आ रही है सामने कि 25 से शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनके लिए कुछ योजना भविष्य के लिए? इंटरनेशनल फ्लाइट जो अभी रिपेटिशन फ्लाइट चल रही है, जो कि पहली फ्लाइट जो है 33 मई को आएगी और ये फ्लाइट 13 फ्लाइट है जो इंटरनेशनल फ्लाइट है जो हमारे जो पार्क रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनको लेके आएंगी जी। तो उनको लेके भी पूरी तैयारियां हो गई हैं, उसमें जो है डॉक्टर्स की टीम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाएगी
उनको 100% उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की टीम उन्हें क्वारंटाइन 14 डेज करेगी और उसके बाद उनको घर के लिए भेजा जाएगा। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए, और काशीराम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो इसी खबर के